Thank you, ma'am. शुक्रिया, ma'am. Translation of important paragraphs in Urdu. She was a large woman with a large purse. वो एक बड़ी औरत थी जिसके पास एक बड़ा पर्स था. That had everything in it, जिसमें सब कुछ था, but a hammer and nails. वाय अथोड़े और कीलों के इट हैड अ लॉन्ग स्ट्रैप उसकी लंबी सी एक पट्टी थी एंड शी कैरीड इट स्लंग अक्रॉस आर शोल्डर और वो उसे अपने कंधे पर आर पार लटकाए हुई थी इट वॉज अबाउट अलेवन ओ क्लॉक एट नाइट रात के तकरीबन ग्यारह बजे थे डार्क अंधेरा था एंड शी वॉज वॉकिंग अ लोन और वो अकेली चल रही थी वेन अ बॉय रैन अप बिहाइंड आर जब एक लड़का उसके पीछे भागता हुआ आया एंड ट्राई टू स्नैच आर पर्स और उसका पर्स छीनने की कोशिश की द स्ट्रैप ब्रोक विद अ सडन सिंगल टग दैट द बॉय गेव इट फ्रॉम बिहाइंड पट्टी उस एक ही अचानक झटके से टूट गई जो लड़के ने पीछे से उसे दिया था बट द बॉयज वेट एंड द वेट ऑफ द पर्स कंबाइंड कॉज्ड हैम टू लूज हिज बैलेंस लेकिन लड़के का वजन और पर्स का वजन मिलकर उसका तोजन बिगाड़ने का सबब बन गए इंस्टेड ऑफ टेकिंग ऑफ फुल ब्लास्ट एज ही हैड होप्ड एक ही बार में छीन कर ले जाने की बजाय जिसकी उसे उम्मीद थी The boy fell on his back and the side woke and his legs flew up. लड़का पुश के बल पक डंडी पर गिरा और उसकी टांगे ऊपर उठ गईं। The large woman simply turned around and kicked him right square in his blue jean sitter. बड़ी औरत बस पीछे की तरफ मुड़ी और सीधी उसकी ब्लू जीन वाली पुष्ट पर किक मारी। देन शी रीच डाउन फिर वो नीचे झुकी पिक द बोए अप बाय हिज शर्ट फ्रांट लड़के को उसकी कमीज के सामने वाले हिस्से से उठाया एंड शुक हिम आंटिल हिज टीथ रेटल्ट और उसे इस कदर झंझोड़ा कि उसके दांत बजने लगे नेक्स्ट पैराग्राफ बट यू पुट यू साफ इन कॉन्टैक्ट विद मी सेट द वेन लेकिन तुमने खुद मुझसे रब्ता किया औरत ने कहा इफ यू थिंक दैट कॉन्टेक्ट इज नॉट गोइंग टू लास्ट अ वाइल अगर तुम समझते कि ये रहा ज्यादा देर का नहीं है यू गॉट एन अदर थाट कमे तो कोई और बात सोचते वैन आई गेट थ्रू विद यू सर जब मैं तुम्हें सबक सिखा चुकूंगी जनाब यू आर गोइंग टू रिमेंबर मिसिज लोयला बेट्स वॉशिंगटन जो तो तुम मिसिज लोयला बेट्स वॉशिंगटन जो को याद रखोगे स्वेट पॉपड आउट ऑन द बॉयज फेस एंड यू बिगेन टू स्ट्रगल लड़के के चेहरे पर पसीना बहने लगा और वह हाथ पाओ मारने लगा मिसिस जॉन्स स्टॉप मिसिज जॉन रुक गई जर्क हिम अराउंड इन फ्रंट ऑफ हर उसे अपने सामने इधर उधर झटका दिया पुट अ हाफ नेल्सन अबाउट इज नेक उसकी गर्दन के गिर्द आधी गिरफ्ट डाली एंड कंटिन्यू टू ड्रैग हिम अप द स्ट्रीट और उसे गली में घसीटना जारी रखा वैन शी गॉट टू हर डोर जब वो अपने दरवाजे पर पहुंची शी ड्रैग द बॉय इन साइड उसने लड़के को अंदर घसीटा डाउन अ हॉल एक हॉल में एंड इन टू अ लार्ज किचन एट फर्निश रूम एट द रियर ऑफ द हाउस और मकान के पिछले हिस्से में बावर्ची खाने के सामान से आ रास्ता बड़े कमरे में ले गई शी स्विस्ट ऑन द लाइट एंड लेफ्ट द डोर ओपन उसने लाइट जलाई और दरवाजा खुला ही छोड़ दिया द बोय कुड हीयर अदर रूमर्स लॉफिंग एंड टॉकिंग इन द लार्ज हाउस लड़का उस बड़े मकान में दूसरे कमरों के लोगों को हंसते हुए और गुफ्तगु करते हुए सुन सकता था समर डोर वर ओपन उनके कुछ दरवाजे भी खुले हुए थे सो ही न्यू ही एंड द वेन आर नॉट अलाउन इसलिए वो जान गया कि वो और औरत अकेले नहीं थे द वोमेन स्टिल हैड हिम बाई द नेक इन द मिडल ऑफ हर रूम अपने कमरे के दरम्यान में औरत ने अभी तक लड़के को उसकी गर्दन से पकड़ा हुआ था द वॉटर वॉज ड्रिपिंग फ्रॉम इज फेस उसके चेहरे से पानी टपक रहा था द बॉय लुकड एट हर लड़के ने उसकी तरफ देखा देर वॉज अ लॉन्ग पॉज वहाँ एक लंबा वकफा था अ वेरी लॉन्ग पॉज एक बहुत लंबा वकफा आफ्टर ही हैड ड्राइड इज फेस चेहरा खुशक कर लेने के बाद एंड नॉट नोइंग वॉट एल्स टू डू और ना जानते हुए कि और क्या करे ड्राइड इट अगेन उसे दोबारा खुश्क किया द बॉय टर्न अराउंड लड़का मुड़ा वॉन्ड्रिंग वट्स नेक्स्ट हैरान होते हुए कि आगे क्या करे द डोर वॉज ओपन दरवाजा खुला हुआ था ही कुड मेक अ डैश फॉर इट डाउन द हॉल वो दौड़कर हॉल में जा सकता था ही कुड रन वो भाग सकता था रन भाग सकता था रन रन भाग सकता था भाग सकता था द वोमेन वॉज सिटिंग ऑन द डे बेड औरत सोफे पर बैठी हुई थी आफ्टर अ शी सेड कुछ देर के बाद उसने कहा आई वर यंग वंस एंड आई वॉन्टेड थिंग्स आई कुड नाट गेट मैं भी कभी जवान थी और वो चीजें हासिल करना चाहती थी जो मैं हासिल ना कर सकी नेक्स्ट पैराग्राफ द दुमेन सैड औरत ने कहा यू थॉट आई वॉज गोइंग टू से बट डिडंट यू तुमने सोचा मैं कहने लगी थी लेकिन क्या नहीं सोचा यू थाट आई वॉज गोइंग टू से तुमने सोचा मैं कहने लगी थी बट आई डिडेंट स्नेच पीपल्स पॉकेट बुक्स लेकिन मैंने लोगों के पर्स नहीं छीने वेल well, अच्छा आई वॉज गोइंग टू से दैट मैं ये नहीं कहने लगी थी पॉज वकफा साइलेंस खामोशी आई हैव डन थिंग्स टू विच आई वुड नॉट टेल यू सन ना टेल गॉड मैंने भी ऐसे काम किए हैं जो तुम्हें नहीं बताऊंगी बेटे और ना खुदा को बताऊंगी इफ ही डिडेंट ऑल रेडी नो अगर वो पहले से नहीं जानता एवरी बॉडी इज गॉड समथिंग इन कॉमन हर शख्स में कुछ चीज मुश्तरका होती है सो यू सिट डाउन इसलिए तुम बैठ जाओ वाइल आई फिक्स अप सम टू ईट जबकि मैं कुछ खाने का बंदोबस्त कर लू यू माइट रन दैट कूम थ्रू यूर हेयर सो यू विल लुक प्रजेंटेबल तुम अपने बालों में वो कंगी कर सकते हो ताकि तुम खुशवज़ा दिखाई दो नेक्स्ट पैराग्राफ In another corner of the room behind a screen was a gas plate and an ice box. कमरे के एक और कोने में एक पर्दे के पीछे गैस Mrs Jones got up and went behind the screen. Mrs Jones उठी और पर्दे के पीछे चली The woman did not watch the boy to see if he was Going to run now, nor did she watch her purse. औरत ने लड़के की निगरानी ना की ye देखने के लिए कि अब वो कहीं भागने वाला है ना ही उसने अपने पर्स की निगरानी की which she left behind her on the day bed, जिसे वो अपने पीछे सोफे पर छोड़ गई थी बट द बॉय टुक केयर टू सिट ऑन द फार साइड ऑफ द रूम अवे फ्रॉम द पर्स लेकिन लड़के ने एहतियात की कमरे के दूर कोने में बैठा रहा पर्स से दूर वेयर ही थाट शी कुली सी हिम आउट ऑफ कॉर्नर ऑफ हर आई इफ शी वांटिड टू जहाँ उसने सोचा कि वह उसे अपनी आँख के किनारे से आसानी से देख सकती थी अगर वो चाहती ही डिड नाट ट्रस्ट द वो मैन नाट टू ट्रस्ट हिम उसने औरत पर एतमाद ना किया कि वो उस पर एतमाद नहीं करेगी एंड ही डिड नाट वॉन्ट टू बी मिस ट्रस्ट नाउ और वो नहीं चाहता था कि अब उस पर अदम एतमाद किया जाए नेक्स्ट पैराग्राफ शी हीटेड सम लिमा बीन्स एंड बीफ उसने कुछ लिमा फलियां और गोश्त गर्म किया शी हैड इन दी आइस बॉक्स जो आइस बॉक्स में मौजूद थे मेड द कोकवा कोकवा बनाया एंड सेट द टेबल और मेज को दुरुस्त करके रखा द वेन डिड नाट आस द बॉय एनी थिंग अबाउट औरत ने लड़के से कुछ ना पूछा वेयर ही लिव्ड कि वो कहाँ रहता था और हिज फोक्स या उसके वालदेन और एनी थिंग एल्स डैट वुड एम्बेरस हिम या कोई और चीज जो उसे परेशान करती इनस्टेड इसकी बजाय एज दे एट जबकि उन्होंने खाना खाया शी टोल्ड हिम अबाउट हर जॉब इन अ होटल ब्यूटी शॉप उसने उसे एक होटल ब्यूटी शॉप में अपने काम के बारे में बताया दैट स्टेड ओपन लेट जो देर तक खुली रहती थी वॉट द वर्क वॉज लाइक काम किस तरह का था एंड हाउ ऑल काइंड ऑफ विमेन केम इन एंड आउट और किस तरह तमाम किस्म की औरतें आती जाती थी ब्लों सुनहरे बालों वाली रेड हेड्स सुरख बालों वाली एंड स्पेनिश और स्पेनिश यानी स्पेनी औरतें देन शी कट हिम अ हाफ ऑफ हर टेन सेंट केक फिर उसने उसे अपना दस सेंट वाला आधा केक काट कर दिया नेक्स्ट पैराग्राफ वेन दे फिनिश्ड ईटिंग जब उन्होंने खाना खत्म कर लिया शी गॉट अप एंड सेड। वो उठी और कहा नाउ हियर टेक दिस टेन डॉलर एंड बायर सेल्फ सम ब्लू स्वीड शूज अब ये दस डॉलर ले लो और खुद कोई नीले स्वीड जूते खरीद लो एंड नेक्स्ट टाइम और आइंदा डू नॉट मेक द मिस्टेक ऑफ लैचिंग ऑन टू माई पॉकेट बुक नॉर नो बडीज एल्स मेरा या किसी और का पर्स छीनने की गलती ना करना बिकॉज शूज गॉट बाई डेवलिश वेज विल बर्न योर फीट क्योंकि शैतानी तरीकों से लिए गए जूते तुम्हारे पांव जला देंगे आई गोट टू गेट माई रेस्ट नाओ अब मुझे आराम करना है बट फ्राम हियर ऑन इन सन आई होप यू विल बिहेव योर सेल्फ लेकिन आज से बेटे मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम अपना रवैया दुरुस्त रखोगे